उससे पहले आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की छूट की मनाही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू जो है वह 31 मई तक बढ़ा दिया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना कर्फ्यू के जो अवधि है उसको बढ़ाया है। प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी है और किसी भी प्रकार की छूट की मनाही है। तो कह सकते हैं अब जो कर्फ्यू आने वाले वक्त में देखा जाएगा भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहां पर सख्ती नजर आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है। प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी है और कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। प्रदेश में कोरोना हाई अलर्ट जारी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्फ्यू की जो अवधि है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं आगरा की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आ रही है। आगरा में ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त उपचार मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में बना ब्लैक आइसोलेशन वार्ड है, महंगी दवाइयों से मरीजों को अब राहत मिलेगी। बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। आगरा में ब्लैक फंगस के मरीजों को मुफ्त उपचार मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में बना ब्लैक आइसोलेशन वार्ड, जो ब्लैक फंगस का वार्ड है, महंगी दवाइयों से मरीजों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई अच्छी खबर आगरा से, आगरा में ब्लैक फंगस के मरीजों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसके लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। महंगी दवाइयों से मरीजों को अब राहत मिलेगी। आपको बता दें, लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद आगरा से एक अच्छी खबर आई है, ब्लैक फंगस के मरीजों को अब मुफ्त उपचार मिलेगा। एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, महंगी दवाइयों से मरीजों को अब राहत मिलेगी।